हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सौरभ गांधी, pivottrading.net की तरफ से स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक और वीडियो के अंदर, जो कि ऑप्शंस के ऊपर है, ऑप्शन सेलिंग के ऊपर है, एडजस्टमेंट के ऊपर है, ऑप्शंस एडजस्टमेंट के ऊपर है और ऑप्शंस हेजिंग के ऊपर है। तो जिन लोगों ने मेरे वीडियोज देखते हैं और जिन्होंने मेरे पिछले ऑप्शंस के एडजस्टमेंट के वीडियो देखे होंगे, वो बैंक निफ्टी के ऊपर थे। आज के इस वीडियो के अंदर हम निफ्टी कवर करेंगे। निफ्टी के अंदर आप किस तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं वो हम देखेंगे, और यहाँ पर हम जो टेक्निक यूज़ करेंगे वो है कैलेंडर की, और हम आयरन फ्लाई को ही करेंगे। तो हमारी जो मेन स्ट्रेटेजी है वो है शॉर्ट आयरन फ्लाई इन बैंक निफ्टी, लेकिन उसको एडजस्टमेंट करने के लिए हम कैलेंडर ऑप्शंस का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अब प्रैक्टिकली मैं आपको पहले बताऊँ, उसको बैक टेस्ट करूँ, उसके पहले आपको थियोरेटिकली समझा देता हूँ कि इसके स्ट्रेटेजी के अंदर हमको करना क्या है। तो सबसे पहले आप यहां पर निफ्टी का एक शॉर्ट आयरन फ्लाई बनाएंगे। शॉर्ट आयरन फ्लाई का मतलब होता है एट द मनी की कॉल और पुट को आप सेल करेंगे और दूर वाली आउट ऑफ द मनी की कॉल और पुट को आप बाय करेंगे। इसके आप कितने करेंगे, दो दो लॉट करेंगे, ठीक है। आप शॉर्ट आयरन फ्लाई हर बार दो दो लॉट करेंगे और आप जो एट द मनी की ऑप्शन आपने बाय सेल करी है आयरन फ्लाई के अंदर इस करेंट एक्सपायरी की, उसी स्ट्राइक प्राइस की, उसी एट द मनी की कॉल और पुट को आप अगली एक्सपायरी का बाय करेंगे। मतलब आप कैलेंडर स्ट्रेडल जो है अगले हफ्ते की या नेक्स्ट एक्सपायरी की आप बाय करेंगे। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी। अब इसके अंदर जब आप ये स्ट्रेटेजी बनाएंगे पहली बार, उसके बाद में आपको डेफिनेटली जैसे जैसे आप पोजिशनली मूव करेंगे, मार्केट मूव करेगा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो आपको एडजस्टमेंट कब करना है, जब आपने जो इनिशियली आयरन फ्लाई बनाया है उसमें जो एट द मनी की कॉल और पुट को जब आपने सेल किया था उसका जो प्राइस का रेशियो 1:2 हो जाएगा, चाहे कॉल बढ़ जाए चाहे पुट बढ़ जाए, अगर रेशियो उनके प्राइजेस का 1:2 हो जाता है तो फिर आपको एडजस्टमेंट करना है। और जिस समय आप एडजस्टमेंट करेंगे, जिस समय वो रेशियो 1:2 का हो जाए, उस समय एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो भी मार्केट का उस समय प्राइस चल रहा है निफ्टी का, उसके हिसाब से एक नई आयरन फ्लाई बनाएंगे। शॉर्ट आयरन फ्लाई उसमें भी आप दो दो लॉट करेंगे, दो एट द मनी की कॉलर पुट सेल करेंगे, दूर वाली दो एट द मनी, दो आउट ऑफ द मनी की कॉलर पुट को आप बाय करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आप अगले एक्सपायरी के, मतलब आने वाले नेक्स्ट एक्सपायरी की, आप एट द मनी की कॉलर और पुट ऑफ निफ्टी को बाय करेंगे एक एक लॉट, ठीक है। तो जब आप आयरन फ्लाई बनाते हैं तो आप दो दो करेंगे शॉर्ट आयरन फ्लाई, और आप स्ट्रेडल को बाय करेंगे अगले हफ्ते वाली, मतलब कैलेंडर स्ट्रेडल आप करेंगे, ठीक है। So, ये पूरी मोटा मोटी स्ट्रेटेजी, और इसको आपको रन करते जाना है जब तक आपको अच्छा प्रॉफिट ना हो जाए, जब आपको प्रॉफिट बुक करने का मन ना हो या जब तक एक्सपायरी नहीं आ जाती, ठीक है। एक्सपायरी वाले दिन आप इसको फ्राइडे को शुरू करेंगे और थर्सडे तक हम इसको होल्ड करेंगे। होल्ड करने का मीनिंग कोई रिजिड रूल नहीं है, अगर आपको 20-25-50 हज़ार का प्रॉफिट उसके पहले ही हो जाता है तो आप निकल सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इसको अगले थर्सडे तक एक्सपायरी तक वेट करना है। अगर आप किसी वजह से इसको थर्सडे तक होल्ड करते हैं तो आपको थर्सडे के दिन एक्सपायरी वाले दिन 1 बजे के बाद में कोई नया एडजस्टमेंट नहीं करना है, जो चल रहा है उसके साथ आपको मैनेज करना है और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है उसको हमको बेयर करना है, ठीक है। तो चलिए ये शुरू करते हैं। मैं पहले निफ्टी का चार्ट यहाँ पर निकालता हूँ। ये मेरा जीरोधा का टर्मिनल है, अकाउंट ओपन नहीं करवाया हो तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं इस सैंपल के लिए ये फरवरी वाला जो वीक है, तकरीबन यहाँ से देखिए अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो फरवरी में, चलिए हम ये 25 फरवरी से 3 मार्च ये वाला वीक हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अगले वीडियो में और कोई नया वीक मैं सिलेक्ट करूँगा। मैं ऐसे अलग अलग एडजस्टमेंट के वीडियोस बनाऊँगा अलग अलग वीक के ऊपर, तो आप ये ना समझें कि इस वीडियो के अंदर कोई स्पेसिफिक वीक लिया है या प्रॉफिट दिखाने के लिए या लॉस दिखाने के लिए या स्ट्रेटेजी को इजीली समझाने के लिए। ये सेम स्ट्रेटेजी को मैं अलग अलग वीडियोस में अलग अलग टाइम फ्रेम पे लूँगा। हो सकता है इसी एडजस्टमेंट के ऊपर मेरे 10 से 15 और वीडियोस आएंगे, तो हर एक तरीके के सिनेरियोस कवर हो जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि किस में कितना प्रॉफिट हो सकता है, किस में कितना लॉस हो सकता है, और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि कैसे इसको आपको एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। तो अभी मैं 25 फरवरी वाला वीक ले रहा हूँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए 24 तारीख चल रही है, 25 तारीख का ये वाला वीक है। तो ये 25 तारीख से शुरू करते हुए हम जा रहे हैं 3 मार्च तक, मतलब ये जो 3 मार्च को ये यहाँ पे इस पॉइंट पे ख़त्म है, मतलब तकरीबन ये फ्लैट ही रहा है, मतलब ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, मतलब zigzag पैटर्न है, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं हमारी शॉर्ट आयरन फ्लाई है और हमने नेक्स्ट वीक की स्ट्रेडल को बाय करते हैं हम, ओके।
तो ऑप्शन सिम्युलेटर पे जाना है। मैं ऑप्शन सिम्युलेटर के थ्रू आपको बताऊंगा, मैं जो ऑप्शन सिम्युलेटर यूज कर रहा हूँ एक ऑप्स्ट्रा का वेबसाइट है, ऑप्स्ट्रा वेबसाइट पे अवेलेबल है, ये एक पेड सिम्युलेटर है, तो अगर आपको जरूरी हो तो ही इसका पेड सब्सक्रिप्शन लीजिए। और बाकी स्ट्रेटेजी मैं आपको समझा दूंगा, आप इसको अपने आप से ट्रेडिंग अकाउंट में कर सकते हैं। सिमुलेशन का जरूरत, जैसे मैं बैक टेस्ट करके बता रहा हूँ, आपको खुद को अगर बैक टेस्ट करना है तो आपको इस तरीके की सिमुलेशन की जरूरत पड़ सकती है। तो मेरे ख्याल से एक शायद सेंसिबल भी देता है, एक ऑक्स्ट्रा देता है, और भी लोग होंगे इस कमेंट, इस वीडियो के कमेंट में आप बता सकते हैं अगर आपके ध्यान में और भी ऐसे कोई सिमुलेटर्स है तो। ठीक है, तो यहाँ से हमको ऑप्शंस में आना है, ऑप्शन सिमुलेटर में जाना है, और यहाँ पर अब मैं अपनी टाइम फ्रेम सिलेक्ट करूँगा, वो है फरवरी की, 25 फरवरी से मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम जो सिलेक्ट करूँगा वो है 3-4 मार्च तक का, मतलब 3 मार्च तक हम काम करेंगे। और यहाँ से मैंने निफ्टी सिलेक्ट कर लिया, कौन सी एक्सपायरिंग में मुझे काम करना है, मुझे 3 मार्च की एक्सपायरिंग में काम करना है, क्योंकि मैं 25 फरवरी से शुरू कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट एक्सपायरी जो आने वाली है वीकली की, 3rd एक्सपायरी है, 3rd मार्च है, और उसके बाद वाली एक्सपायरी होगी 10th मार्च की। तो हम 3rd मार्च और 10th मार्च दोनों में काम करेंगे, 3rd मार्च में हम शॉर्ट एंड फ्लाई बनाएंगे और 10th मार्च में हम स्ट्रेडल को बाय करेंगे। ओके, सो चलो हम बढ़ते हैं। यहाँ पर हमको देखना है 16 फ्यूचर का प्राइस क्या चल रहा है, 16,585, मतलब 16,600 के आसपास की कॉल और पुट को यूज करके हमको स्ट्रेडल, हमको आयरन फ्लाई बनाना है, तो 16,600 पे आ जाते हैं, 16,600 है ये, देखिए 239 कॉल की प्राइस है, 265 पुट की प्राइस है, तकरीबन 25-26 रुपए का डिफरेंस है। ऊपर देख लेते हैं, ये 243 है और 267 है, यहाँ पर भी उतना ही डिफरेंस है। तो हम बेसिकली ये 50 के मल्टीपल में जाने से अच्छा है हम 100 के मल्टीपल में जाए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो हम यहाँ पर इसके 2-2 लॉट सेल कर लेते हैं, 2 लॉट कॉल के सेल कर दिया 16,600 और 2 लॉट इसके सेल कर दिए पुट के। ठीक है, आयरन फ्लैग बनाना कैसे, ये तो हमने सेल कर दिया 2-2 लॉट, अब बाय भी तो करना पड़ेगा, तो आउट ऑफ द मनी ये बाय कैसे करेंगे, तो इसको हमको प्लस करना है, 265 प्लस 239 कितना होता है, तकरीबन 510 रुपये के आसपास होगा। तो 500 रुपये से ज़्यादा, मतलब 550 ऊपर और 550 नीचे की कॉल और पुट को हमको बाय करना है, तो 16,600 में 550 में ऐड करूंगा तो वो हो जाएगा तकरीबन 17,150, राइट। सो 17,150 की मैं 2 लॉट बाय कर रहा हूँ कॉल के, और 16,600 में 550 माइनस करूंगा तो हो जाएगा 16,50 की पुट ऑप्शन 2 लॉट बाय कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये आयरन फ्लाई बन गया है, आप सभी लोगों को पता होगा जो आयरन फ्लाई देखते हैं, जो और भी वीडियोस देखे होंगे, काम किया होगा, तो दिस इज द पे ऑफ ग्राफ। लेकिन यहाँ पर अभी स्ट्रेटेजी खत्म नहीं होती, हमको अगले हफ्ते की ऑप्शंस का स्ट्रेडल बाय करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे किसको सेल किया था एट द मनी, 16,600 की, तो अगले हफ्ते की जो है हम 10th मार्च की यहाँ पे 16,600 की कॉलर पुट को हम बाय करेंगे। कितने बाय करना है, 1-1 लॉट, ओनली 1 लॉट, हमने सेलिंग 2-2 की थी, बाइंग 1-1 लॉट ही करेंगे। तो यहाँ पे मैं 1-1 लॉट रिड्यूस कर देता हूँ, ये हमने 1 लॉट बाय किया 16,600 का, और इसका 1 लॉट पुट हमने बाय कर लिया। ओके, सो दिस इज द स्ट्रेटेजी, ये पे ऑफ ग्राफ बन गया। अब देखिए यहाँ पे आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड है, लॉस आपका ये दोनों पॉइंट पे मैक्सिमम है और ये बीच में आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है, और बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रेंड आ गया तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम कहाँ है, ये जो ऑरेंज वाला एरिया, ये हमारा प्रॉब्लमेटिक एरिया है, तो हम इस एरिया को बचाने के लिए, यहाँ पर हमारा लॉस कम करने के लिए हम एडजस्टमेंट करेंगे। कैसे करेंगे वही मैंने आपको बताया, 1:2 का रेशियो का। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब PNL दिखा देता हूँ, ये हम आधा आधा घंटा करके हम आगे सिमुलेट करेंगे। अभी ये बज रही है 9:20 25 फरवरी, इसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, हमारा यहाँ पर एक हमने स्टार्ट किया है, अब मैं यहाँ पे 30 मिनट से बढ़ाता जाऊँगा, 130 का लॉस है, हमारा रेशियो चेक करना है, ये 268 है, 205, 1:2 का रेशियो नहीं हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट फास्ट बढ़ाने की कोशिश करूँगा, जैसे ही मुझे 1:2 का रेशियो दिखेगा मैं आपको बता दूंगा और हम एवरेजिंग करेंगे। देखिए अभी 275 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, 3:20 हो गया, मार्केट खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तक हमारा रेशियो 1:2 नहीं हुआ है। ठीक है, 30 मिनट्स आगे बढ़ा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर हम 9:35 हो गया, अगले दिन आ गए हैं, 1:2 का रेशियो बन चुका है, देखिए 136 और 335, मतलब ऑलमोस्ट मोर देन 1:2 का रेशियो हो गया, लेकिन हमारा प्रॉफिट देखिए 5,000 रुपीज प्लस है हम। ओके, अब पे ऑफ ग्राफ देखते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हम अभी ग्रीन जोन में चल रहे हैं, वी आर इन प्रॉफिट। ओके, अब हमको एडजस्टमेंट करना है, क्यों, क्योंकि 1:2 का रेशियो हो चुका है, देखिए कुछ तो बड़ा हुआ है, मार्केट अप हुआ है, डाउन हुआ है, अब ये पुट की वैल्यू बढ़ी, मतलब मार्केट नीचे गया है, गैप डाउन ओपनिंग में, लेकिन वी आर इन प्रॉफिट। ओके, सो पॉजिटिव पॉइंट नंबर 1।
अब हम एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट करना है हमको 3rd मार्च में, ठीक है। 3rd मार्च की हम एक और आयरन फ्लाई बनाएंगे, तो वी विल डू गेट ऑप्शन चेन, ओके। और हमको वही देखना है यहाँ पे फ्यूचर की प्राइस क्या है, 16400 के आसपास की कॉल और पुट में हमको आयरन फ्लाई बनाना है। ये 16400 है, 238 की प्राइस है, ये 240, परफेक्ट है, 2 रुपये का डिफरेंस है, इससे बेस्ट हमको आयरन फ्लाई नहीं मिलेगा। सो 16400 की दो दो लॉट हम सेल करेंगे, ओके। ये सेल कर दिया, इसका भी हमने सेल कर दिया, ओके। अब हमको आयरन फ्लाई के लिए दो ऑप्शंस बाय भी करने पड़ेंगे, तो कितना है, 240 प्लस 238, 480 के आसपास होता है, तो 500 ऊपर 500 नीचे हम बाय करेंगे। 16400 में 500 बाय किया, ऐड किया तो 16900 की दो लॉट मैंने बाय कर ली कॉल की, और 16400 में 500 गया तो 15900 की पुट के मैंने दो लॉट बाय कर लिया, ओके, ठीक है। हमने 16400 में बाय करा था, तो हम अगले वीक का, ये तो एक आयरन फ्लाई बनाया, अब आपको नेक्स्ट वीक का स्ट्रेडल को भी बाय करना है एक एक लॉट। तो यहां से मैं 10th मार्च सिलेक्ट करूंगा और यहां पर मैं 16400 की कॉल और पुट को बाय करूंगा एक एक लॉट, ठीक है। मैंने एक दो से एक कर दिया, एक लॉट 16400 की एक लॉट पुट हमने बाय कर ली, ओके, गुड गुड टू गो एड। 6 ऑप्शन हमने कर दिए, पे ऑफ 4 देख लेते हैं, ठीक है। अगेन बीच का सेक्शन आपका ग्रीन है, मार्केट रेंज बाउंड रहेगा तो यू विल मेक गुड मनी, मार्केट थोड़ा आगे जाएगा तो आप लॉस में जाएंगे, लेकिन इसी लॉस को कम करने के लिए हम तो हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। और अगर मार्केट में सपोज बहुत ज्यादा उथल पुथल हो गई, कोई स्ट्राइक हो गई, कोई वार हो गया, कुछ भी हो गया, कोई इलेक्शन रिजल्ट है, कोई बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन हो रहा है, तो हमको देखिए अनलिमिटेड प्रॉफिट है दोनों तरफ, ठीक है। तो वी आर सेफ इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोस, ठीक है। लेकिन ये प्रैक्टिकली आपको करके बताऊंगा तो शायद आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सो दिस इज वन थिंग, नाउ वी आर मूविंग अहेड विद 30 मिनट्स, ओके। सो हम आगे बढ़ाते हैं। अब मैं हमको किसको ध्यान देना है, हमको ये जो दो नए ऑप्शन हमने ऐड किए हैं इसके ऊपर हमको ध्यान देना है कि इसका रेशियो जो है 1:2 का होना चाहिए, उससे ज़्यादा, ओके। सो आई विल कीप ऑन मूविंग, जैसे ही होगा मैं आपको बता दूंगा, मैं तब तक बढ़ाता जा रहा हूँ इसको। देखिए यहाँ पे तकरीबन होने वाला है ये, ओके। सो ये यहाँ पर हो गया, इनफैक्ट ये 170 है और ये 353 है, मतलब 1:2 के थोड़ा सा ज़्यादा है। हम यहाँ पर अब माइनस में आ गए, -1000, ठीक है। बट दिस इज द पॉइंट वेर वी हैव टू डू द एवरेजिंग, हमको एक नया आयरन फ्लाई करना है, नया एडजस्टमेंट बनाना है। तो यहाँ पर मैं 3rd मार्च का ऑप्शन लेके ऑप्शन चेंज करूंगा और यहाँ पर हम देखेंगे क्या प्राइस है, 16600 के आसपास की मुझे आयरन फ्लाई बनानी है। ये 223 है, ये 240 है, परफेक्ट है, यही हमारे लिए सही है। तो हम इसके दो दो लॉट को सेल कर देते हैं, 16600 दो दो लॉट हमने सेल कर दिया, कितना प्रीमियम है, 240 223, मतलब करीब 460 का प्रीमियम है, 500 पॉइंट ऊपर 500 पॉइंट नीचे हम बाय करेंगे। तो ये हो गया 17100 का दो लॉट हमने बाय कर लिया और 500 पॉइंट नीचे मतलब 16100 का हमने दो लॉट बाय कर लिया, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग, हमने आयरन फ्लाई बना दिया, लेकिन हमको अभी स्ट्रेडल बाय करना बाकी है अगले हफ्ते का। सो 10th मार्च का हम आयरन फ्लाई बनाएंगे 16600 में, 16600 का ये बाय कर लिया एक एक लॉट, ओके, नॉट टू लॉट्स, ओनली वन लॉट, 16600 में एक एक लॉट हमने बाय कर लिया, ओके। तो दिस इज डन, हमने ये बना लिया। इसका पे ऑफ ग्राफ देख लेते हैं, पे ऑफ चार्ट क्या बनता है। सेम बीच में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट है, मार्केट रेंज बाउंड रहता है, तो दोनों आगे थोड़ा गया तो लॉस होगा ऑरेंज वाला एरिया, लेकिन और ज़्यादा ऊपर गया या नीचे गया तो वी आर इन प्रॉफिट। अब इसको हम एडजस्टमेंट करते हैं। अब हमको किसको देखना है, ऊपर वाले सारे भूल जाएंगे, जो हमने नया दो एट द मनी का कॉल और पुट अभी किया है आयरन फ्लाई में, उसका रेशियो हमको चेक करना है, जो 223 240 इसके प्राइसेस के रेशियो को 1:2 से ज़्यादा होगा तब हमको एडजस्टमेंट करना है, ओके। सो आई विल मूव फास्ट, मैं थोड़ा सा इसका रिजोल्यूशन वो कर देता हूँ, लेट मी जस्ट रिड्यूस दिस, तो क्या काफ़ी ज़्यादा चीज़ इसके अंदर आ जाएगी, ओके। तो मुझे अभी हमको देखना है वो ये है 244 239, ओके, ओके। 1:2 रेशियो नहीं हुआ है, प्रॉफिट देख लेते हैं, 3000 का लॉस चल रहा है अभी, 1:2 रेशियो नहीं हुआ है, 1:2 रेशियो नहीं हुआ है, पीएनएल देख लेते हैं, 887 के लॉस में चल रहे हैं हम लोग। आपको बस इसको एड ऑन करते रहना है और वेट करना है। देखिए यहाँ पे अब हमारा रेशियो 1:2 होने वाला है, 3:05 हुआ है। मैं सॉरी, वो आपको पिछली बार मैं नोट डाउन करना रह गया था मेरा कि किस लेवल पर हमने एवरेजिंग करी थी, तो आई विल जस्ट ऐड 2 टाइम्स यहाँ पे। ये 28 फरवरी था, मैं इसको 27 फरवरी कर देता हूँ इन रफ सेंस कि हमने यहाँ पर एक एवरेजिंग करी थी, दिस इज। तो अभी हम जो एवरेजिंग करेंगे वो 28 फरवरी 3:05 वाले में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेशियो देखिए 1:2 का हो गया, या 157 है, 346 है।
हमारा पीएनएल चल रहा है माइनस 3255, ओके। और तो हम 3rd मार्च की ऑप्शन चेन निकालेंगे। सो लेट्स जस्ट सी क्या प्राइस चल रहा है। 16800, ठीक है, 16800 की कॉल और पुट देख लेते हैं। ये 213, ये 223, परफेक्ट है। 16800 के दो दो लॉट हम लोग सेल करेंगे कॉल और पुट के। 16800 की पुट भी सेल कर देते हैं। कितना है 223 और 213, मतलब 446 रुपीज़, मतलब 450 का प्लस और माइनस हम लोग करेंगे। तो 16800 में 450 माइनस प्लस किया तो 7250 होता है। 7250 में दो लॉट मैंने यहाँ पर बाय कर लिया। ओके, सो 16 मैं भूल गया क्या था, 16800 सॉरी यार, 16800 में 450 450 पॉइंट माइनस करना है तो वो हो जाएगा 16350। तो 16350 के दो लॉट में फिर से और बाय कर लेता हूँ। अब 16800 की मुझे स्ट्रगल बाय करनी है अगले हफ्ते की। तो यहाँ से मैं जाऊँगा नेक्स्ट वीक सिलेक्ट करूँगा 10 मार्च, 10 मार्च की ऑप्शन चेन में से मैं 16800 की कॉल पुट को बाय करूँगा। सो दिस आई एम गोइंग अहेड, एक एक लॉट मुझे बाय करना है। 16800 की कॉल बाय करी और 16800 की यहाँ पर मैंने पुट बाय कर ली। ओके, सो दिस इज डन, ये मेरा 6 लाख का स्ट्रेटेजी बन गया। तो ये पे ऑफ ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पे पे ऑफ में आप देख सकते हैं वहीं बीच में अगर मार्केट रेंज बाउंड रहेगा तो हमको प्रॉफिट होगा, थोड़ा आगे पीछे जाएगा तो हमको लॉस होगा, और बहुत ज्यादा आगे पीछे जाएगा तो हमको फिर से प्रॉफिट होगा। ओके, सो अभी हमको जो देखना है वो ये दोनों ऑप्शंस को देखना है, 213 223। 30 मिनट्स बढ़ाते हैं। ओ अगेन, ये तो एक ही झटके में यहाँ पर हमारा शायद गैप अप, कुछ गैप डाउन ओपनिंग हुई है 2nd of March को 9:20 पे। देखिए रेशियो बदल गया है, एक है 91, एक है 300, तो हमको एडजस्टमेंट करना है। लेकिन आप यहाँ पर पीएनएल देखिए, पीएनएल है 14,700 रुपये। ओके, सो जो लोग प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं कर सकते हैं। अभी हमने 3 एडजस्टमेंट किए हैं, 3 एडजस्टमेंट के अंदर हमको 14,000 का प्रॉफिट आ चुका है। आप चाहें तो उसको बुक कर सकते हैं या फिर लेट्स गो ऑन, हम एक्सपायरी तक देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। तो यहाँ पर हम एडजस्टमेंट करेंगे। अब टाइमिंग देख लेते हैं, 2 मार्च 9:20, ठीक है। दिस इज अवर 4th एडजस्टमेंट, किसमें एडजस्टमेंट करना है, 3rd मार्च के ऑप्शन में करना है, गेट ऑप्शन चेन। और यहाँ पे हम लोग 16600 की कॉल और पुट में हम काम करेंगे। 16600 की 189 चल रही है कॉल और 200 चल रही है पुट, परफेक्ट है। इसी को हम सेल करेंगे दो दो लॉट फिर से, सेल 2 लॉट्स, ओके। 16600 2 लॉट्स पुट सेलिंग, कितना हो गया टोटल प्रीमियम 389। तो 400 रुपीज अप और डाउन हम लोग स्ट्राइक प्राइस में बाइंग करेंगे कॉल और पुट। तो 16600 में 400 ऐड किया तो हो गया 17,000, इसकी दो लॉट मैंने कॉल बाय कर ली। 16600 में 400 माइनस किया तो 16200, इसकी दो लॉट पुट की मैंने बाय कर ली। अब आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट हफ्ते की स्ट्रैडल के लिए। तो यहाँ पर मुझे जाना है 10 मार्च सिलेक्ट करना है और 16600 की मुझे स्ट्रैडल को बाय करना है कॉल और पुट। सो दिस आई एम बाइंग 1 लॉट्स ओनली, एक एक लॉट हमको बाय करना है दोस्तों। 16600 की एक एक लॉट हमने बाय कर लिया, तो ये हमारा एक एडजस्टमेंट बन गया 6 लाख का। पे ऑफ ग्राफ देख लेते हैं, काफी सारे कमेंट्स आए थे मुझे पिछले वीडियोस में कि आप पे ऑफ ग्राफ भी बता दीजिए। सो दिस इज द पे ऑफ ग्राफ नाउ, ओके। ये नई स्ट्रेटेजी है, थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रेटेजी है जो मैंने पुराने वीडियोस बनाए थे उसमें हम कैलेंडर यूज नहीं कर रहे थे। इन दिस वीडियो वी आर यूजिंग द कैलेंडर, ये स्ट्रेटेजी हम कैलेंडर यूज कर रहे हैं। इसी स्ट्रेटेजी के ऊपर बैंक निफ्टी का भी वीडियो बनाऊंगा। सो यहाँ पर अगेन वही, हम सेंटर में रहेंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट है, साइड में जाएंगे तो लॉस है। सो और 30 मिनट्स बढ़ा के देखते हैं। सो अभी भी 1:2 का रेशियो नहीं है, हमको जो रेशियो चेक करना है वो इन दोनों का है, ओके। 30 मिनट्स बढ़ाते हैं। $18,900 का प्रॉफिट चल रहा है अभी, ओके। सो हियर इट इज 99 और 239, रेशियो 1:2 से ज्यादा हो गया है। प्रॉफिट 18,900 चल रहा है, 4 एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं, 18,900 का प्रॉफिट है। अभी 5th एडजस्टमेंट का टाइम है, हम चाहे तो भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या हम देखते हैं कि एक्सपायरी तक क्या होता है। तो वी विल डू 5th एडजस्टमेंट नाउ। तो ये हमने यहाँ पर ऐड कर लिया हमारा नया एडजस्टमेंट 2nd मार्च का 12:50, ओके। सो वी विल डू 3rd मार्च का ऑप्शन चेन और देखेंगे क्या प्राइस चल रहा है। सो यहाँ पे 16,470 मतलब 16,500 के आसपास की होगी, 16,450, ओके। सो हियर इट इज, ये 174 है और ये 163, 16,450 की कॉल और पुट के अंदर हम आयरन फ्लाई बनाएंगे। सो 2 लॉट्स सेलिंग, 16,450 2 लॉट सेलिंग, ओके। ये 163 170 300 350 का डिफरेंस होता है, मतलब 400 पॉइंट ऊपर 400 पॉइंट नीचे हम लोग को आयरन बाइंग करनी है। तो ये हो गया 16,800
की कॉल को मैं 2 लॉट बाय कर रहा हूँ और 16,050 की कॉल और पुट को यहाँ पर मैं 2 लॉट बाय कर रहा हूँ। ओके, अब 16,450 की हमको स्ट्रेडल को भी बाय करना है, तो इसके लिए हम 10 मार्च सिलेक्ट करेंगे नेक्स्ट वीक की नेक्स्ट एक्सपायरी। तो 16,450 की यहाँ पर मैं बाय कर लेता हूँ 1-1 लॉट कॉल और 1-1 लॉट पुट। ओके, सो ये मेरा 6 लैक्स का बन गया है। यहाँ पर मैं पे ऑफ ड्राफ्ट दिखाता हूँ, अगेन इट इज द सेम वे, बीच में रहेगा आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है, साइड में जाएगा लॉस है, और ज्यादा साइड में जाएगा तो और भी ज्यादा प्रॉफिट है। ओके, सो हियर वी गो। अभी 33 मिनट्स और बढ़ा के देखते हैं, हमको जो रेशियो चेक करना है वो है इन दोनों का, 215 117 चल रहे हैं। ठीक है, अभी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, 12,000 का प्रॉफिट है, 216 और 118 अभी 1:2 नहीं हुआ है, होने में है लेकिन 1:2। ओके, सो हियर इट इज अगेन 175 141, 17,000 का प्रॉफिट है, 30 मिनट्स और बढ़ाते हैं। ओके, 17,000 प्रॉफिट, मार्केट खत्म होने आ रहा है और यहाँ पर देखिए 250 और 86। ठीक है, हमारा प्रॉफिट कितना रह गया, 10,000 का। सो दिस इज 1:2 रेशियो हो चुका है। अभी हमारा 6th एडजस्टमेंट करने का टाइम है, तो इसी दिन हमारे को 2 मार्च को ही तीसरा एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं, तो टोटल इट इज 6th एडजस्टमेंट। ओके, एडजस्टमेंट हमको करना है 3 मार्च और गेट ऑप्शन चेंज करेंगे यहाँ पर हम लोग, और यहाँ से हम देखते हैं 16,600 चल रहा है, तो 16,600 के आसपास की कॉल और पुट में हम आयरन फ्लाई बनाएंगे। ये 148 है और ये है 132, सो इसी के अंदर हम बनाएंगे। दो दो लॉट हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं और कॉल की, और दो दो लॉट जो है वो पुट की सेल करेंगे। ये है 132 का प्रीमियम, ये है 142 का, 148 का प्रीमियम, टोटल हो गया करीब 270 280। तो हम 300 पॉइंट प्लस 300 पॉइंट माइनस की हम बाइंग करेंगे। सो 16,600 में 300 ऐड किया तो 16,900 हो गया। ओके, और 16,600 में 300 माइनस किया तो 16,300 हो गया। ओके, सो यर वी गो, ये हमने ऐड कर दिया। अब 16,600 की हमको अगले हफ्ते की स्ट्रेडल बाय करनी है, 10th of March। ओके, हियर वी गो, 16,600 की कॉल एक एक लॉट हमको बाय करना है और 16,600 की पुट एक एक लॉट हमको बाय करना है। ओके, सो ये 6 लाख की वापस हमने एडजस्टमेंट कर दिया। पे ऑफ ग्राफ देखते हैं, इट विल बी द सेम, उसी तरीके से पे ऑफ ग्राफ दिखेगा, सेंटर में है, मैक्सिमम प्रॉफिट है, आई डोंट हैव टू रिपीट अगेन। ठीक है, हमारा पीएनएल क्या चल रहा है, 10,000 चल रहा है अभी, 18,000 के प्रीमियम बैक प्रॉफिट तक हम गए थे। आगे बढ़ाते हैं, अगले दिन आ गया है, 9:35 हो गया है, देख लेते क्या है, 19,000 का पीएनएल चल रहा है। रेशियो देख लेते हैं, ये देखिए 122 और 42, अगेन 1:2 का रेशियो हो चुका है, उससे ज्यादा का ही रेशियो, तो फिर से एडजस्टमेंट करना है हमको। हम चाहें तो 19,000 प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर एडजस्टमेंट करें, तो अगर हम एडजस्टमेंट करते हैं तो टाइमिंग हम नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमको तकरीबन 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पे करीब 19,000 का प्रॉफिट हो रहा है, और इस समय भी मुझे जहाँ तक ध्यान है करीब हमको 12,000 के आसपास प्रॉफिट हो रहा था, और यहाँ पर करीब 17,000 प्रॉफिट हो रहा था। अभी इतना मुझे ध्यान नहीं ऊपर क्या था, बट अप्रॉक्सीमेटली मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। सो एनी वेज, तो हमको एडजस्टमेंट करना है, अगेन वही 3 मार्च वाले में हम एडजस्टमेंट करेंगे और देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। गेट ऑप्शन चेन एंड 16,600 अगेन उसके आसपास कहीं हमको स्ट्रेडल में करना पड़ेगा, 16,650 और 16,600, 16,650, 16,700। ओके, सो 16,700 थोड़ा ज़्यादा सेंसिबल लग रहा है मुझे, क्योंकि 60 रुपीज़ है, 80 रुपीज़ है, सो दिस इज मोर बैन क्लोजर, और ये 100 के मल्टीपल में है तो ज़्यादा सेफ भी रहेगा। तो 16,700 का कॉल और पुट हम दो दो लॉट सेल करेंगे। ओके, यहाँ पर हमने सेल कर दिया 80 रुपीज़ एंड 60, 140, मतलब 150 रुपये ऊपर और नीचे की हमको बाइंग करनी है। तो 16,850 की 2 लॉट में बाय करूंगा, टिक 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 टिक, एंड 700 में 150 गया तो 16,550, इसके भी 2 लॉट बाय कर लिए। अभी 16,700 की अगले हफ्ते की स्ट्रेडल मुझे बाय करनी है। ओके, सो टेंथ मार्च में आ गया हूँ और यहाँ पर मैं करूँगा 16,600 की बाइंग एक एक लॉट। ओके, 1 लॉट 16,600, 1 लॉट 16,700, मैंने गलत बाय कर लिया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, हमको 16,700 में हमने किया था, 16,700 की मुझे बाइंग करनी है, तो 16,700 की एक लॉट में बाय करूँगा।
16700 की यहाँ पर मैं एक बाय कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी हो गई है पूरी, और यहाँ पर मैं पे ऑफ चार्ट देखूँ तो ये अगेन उसी तरीके से रहेगा, बीच में प्रॉफिट है और ज़्यादा जाएगा तो हमको और ज़्यादा प्रॉफिट है। अब यहाँ पर एक बार देख लेते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। मैक्सिमम प्रॉफिट अनडिफाइंड है, मैक्सिमम लॉस हमको 99,998 का हो सकता है, जो कि इस ऑरेंज वाले एरिया में अगर आएगा तो जाकर होगा, लेकिन उसके पहले ही हमारा ये ग्रीन जोन है, तो उसमें ऑरेंज जोन में जाने के पहले ही हम ग्रीन जोन में एडजस्टमेंट करते रहते हैं, ठीक है, ताकि वो ऑरेंज जोन में कभी जाए ही ना। तो एडजस्टमेंट का मीनिंग वही है कि आप येलो ऑरेंज जोन में ना जाए। ओके, सो अब हम आगे बढ़ा के देखते हैं कि पीएनएल हमारा क्या रहता है। 9:35 हो गई, अब 10 बजे हम देखते हैं हमारा पीएनएल है 22,000 रुपीस, और ये देखिए फिर से 1:2 का रेशियो हो गया, ये 46 है और ये 100 है। ओके, सो हम एक और एडजस्टमेंट करना होगा हमें, क्योंकि अभी सिर्फ 10 ही बजे हैं, पूरा दिन बचा है एक्सपायरी का, 3 मार्च को एक्सपायरी है, तो यहाँ पर 22,000 का हमको प्रॉफिट हो रहा है। और अब एडजस्टमेंट करना है तो मैं फिर से 3 मार्च में एडजस्टमेंट करूँगा, गेट ऑप्शन चेन, ओके, और 16600 अगेन, तो मेरे ख्याल से वही होगा 16600 के आसपास की हमको कॉल इनपुट मिलेगी, 650, ओके, सो दिस इज गुड, 16650 की कॉल इनपुट है, एक 69.6 एक 73.5 है, तो ये ज़्यादा सही है। तो यहाँ पर हम दो दो लॉट जो है वो सेल करेंगे, ओके, और इसमें भी दो लॉट हम सेल कर देते हैं, 150 रुपया ऊपर और नीचे, मतलब तकरीबन हो गया 800 की बाइंग करेंगे यहाँ पर हम लोग। आई होप दोस्तों मैं 150 पॉइंट क्यों लिया, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ से 16500 की पुट हो जाएगी। तो ये हमने आयरन फ्लाई बना दिया, अब हमको अगले हफ्ते की वो बनानी है, क्या बनानी है, स्ट्रेडल, लॉन्ग स्ट्रेडल एक एक लॉट में। तो 16650 था, तो 16650 की कॉल को मैं एक एक लॉट यहाँ से बाय करूँगा, ओके, 16650, ओके, डन, फिर से मेरे 6 लाख बन गए हैं, और ये मेरा पे ऑफ ग्राफ है, कोई चेंज नहीं आएगा, वही रहेगा। देखिए हम हमेशा ग्रीन जोन में ही रह रहे हैं, हम ऑरेंज जोन में जाने के पहले ही हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ओके। अब ऑरेंज जोन में कभी कभी जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसा अगर होता तो सारे लोग यही स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे होते इस दुनिया में, तो ऐसा नहीं है, ऑरेंज जोन में भी जाता है, लॉस होता है, ठीक है, लेकिन अभी नहीं हो रहा है फिलहाल। 30 मिनट से बढ़ाते हैं, 22,000 है अभी रेशियो, देखिए 60 और 82, ओके, सो 1:2 नहीं हुआ है, और बढ़ाते हैं आगे 30 मिनट्स, 26,000 का प्रॉफिट चल रहा है, रेशियो देखते हैं 76 और 55, 1:2 नहीं हुआ है, सो 26,000 इज आवर मैक्स प्रॉफिट। आगे बढ़ाते हैं 22,000, फिर से 54 और 65, ओके, मैं इसलिए अभी बार बार बता रहा हूँ क्योंकि अभी एक्सपायरी का दिन है, प्राइजेस बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होंगे, आपको 1:2 रेशियो बहुत जल्दी मिलेगा, तो मैं वही देख रहा हूँ कि कोई हमारा मिस ना हो जाए। अगेन वी आर 25 फॉर प्रॉफिट, ये दोनों सेम ही चल रहे हैं, 39,000 का प्रॉफिट, वाओ, क्या हुआ है वो देख लेते हैं, समथिंग बिग हैज हैपन हियर। कॉल की वैल्यू 16 रुपये रह गई है, पुट की वैल्यू 122 रुपये हो गई है, आई थिंक दिस इज अ गुड टाइम टू बुक प्रॉफिट, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, ये प्रॉफिट कभी भी वापस जा सकता है, ओके, लेकिन एज पर द रूल वी विल वेट टिल 3:30, हम पूरी टेस्टिंग करेंगे क्या होता है। सो 122:16 मतलब हमको आयरन मतलब एडजस्टमेंट करना है, सो वी विल नोट डाउन दिस टाइमिंग, और इस समय हमको 39,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, मैं 3 मार्च सिलेक्ट करके एडजस्टमेंट करूंगा, गेट ऑप्शन चेन। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, ऑलरेडी आधा घंटा हो चुका है, लेकिन आई थिंक इट इज वर्थ इफ इट मेक्स मनी फॉर यू, ओके। 16,540 तो 16,550 के आसपास की हम देखते हैं, 16,550, ये देखिए 54 और 60, सो दिस इज परफेक्ट, तो हम इसकी दो दो लॉट सेल करेंगे, ओके, दो लॉट इसके सेल किए, 16,550 और 16,550, ओके, कितना है लगभग 114 रुपये, मतलब हम 150 रुपये ऊपर और नीचे करेंगे, तो 16,550 में 150 ऐड किया तो 16,700 हो गया, इसकी मैं दो लॉट बाय करूँगा, और 16,550 में 150 गया तो 16,400, इसकी मैं दो लॉट बाय करूँगा, ओके, सो हियर वी गो, ये हो गया। अब एक और हमको अगले हफ्ते की शेड्यूल बनानी है, तो यहाँ से मैं एक्सपायरी चेंज करूँगा, 10th of March कर दिया मैंने, एंड 16,550, ओके, 16,550 की मुझे स्ट्रेडल को बाय करना है, 1 लॉट, सो एक एक लॉट में यहाँ पर बाय कर लिया, 16,550 की कॉल बाय करी, 16,550 की पुट बाय करी, ठीक है। नाउ जस्ट हैव अ लुक एट द टाइमिंग, अभी टाइमिंग हो रहा है 12:35, अब इसके बाद हम कोई और एडजस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि 1 बजने वाली है। पे ऑफ चार्ट हम देख लेते हैं, वही है सेम, देखिए हम ग्रीन जोन से बाहर नहीं जा रहे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके,
ये ऑरेंज जोन है लेकिन अभी तो नहीं जा रहे हैं, अब हम इसको बढ़ा के देख लेते हैं क्योंकि अब हम पीएनएल देखेंगे, अब हम वो बाकी सारे कंपैरिजन नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको रन करते हैं एक्सपायरी तक क्या होता है। अगर ये फट गया होगा ऑप्स्ट्रा तो अभी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि इतनी पूरी चीज़ अगर वापस से करनी पड़ेगी तो दिक्कत होगी। चलो हो गया, सो 39,000 का प्रॉफिट है, 1:05 हो रहे हैं। अब हम कोई नई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, वी विल जस्ट मूव बाय 30 मिनट्स। ओके 51,000 का प्रॉफिट है दोस्तों, ओके वी आर इन 51,600 का प्रॉफिट है, बुक कर लेना चाहिए लेकिन लेट्स सी क्या होता है और आगे बढ़ते हैं। 51,000 का ही प्रॉफिट है, 2:05 हो गया, मात्र 1.5 घंटा बचा हुआ है। वाओ 66,000 का प्रॉफिट, 2:35 हो रहे हैं, 66,000 का प्रॉफिट है। और वी आर नॉट डूइंग एनी एडजस्टमेंट नाउ क्योंकि ऑलरेडी 1 बज चुकी है। मैं यहाँ पर पीएनएल में दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर 66,000 का प्रॉफिट है और ये ऑप्शन अभी देखिए अब क्या है। अब सब ऑप्शन डीके हो, टाइम डीके होने वाले हैं तो 1-2 रुपये बच गए हैं, ये और थोड़ा डीके होगा लेकिन आई थिंक अब काफ़ी हद तक हम पहुंच गए, इससे ज़्यादा प्रॉफिट मुझे शायद ही लग रहा है कि होगा। सो लेट्स सी 3:05 और फाइनल हम देख लेते क्या प्रॉफिट होता है। एक्चुअली इतने सारे हमने ऑप्शंस ऐड किए हैं तो आई थिंक ये ऑप्शन को उतना कैलकुलेशंस करने में शायद थोड़ा दिक्कत होता है या वॉट एवर कनेक्टिविटी इशू हो सकता है, जो भी है। ओके सो देखिए क्या फर्क हुआ है, 3:05 आधे घंटे के अंदर हमारा 30,000 का प्रॉफिट उड़ गया, ठीक है। 66,000 के प्रॉफिट में थे, अभी 33,000 के प्रॉफिट में आ गए। ओके नाउ लेट्स मूव बाय 5 मिनट्स, 28,000 का प्रॉफिट, ओके 40,000 का प्रॉफिट। ये अभी आखिरी में इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद बहुत उथल पुथल हो रही होगी उस दिन, सो वी आर नाउ एट 40,000 का प्रॉफिट और हमने इतने सारे ऑप्शंस ऐड किए हैं कि वो डेफिनेटली 1,000-2,000 में मूवमेंट नहीं होगी। तो 3:20 40,000 के प्रॉफिट में हम और अब से 10 मिनट और बचे हैं, 3:25 देख रहे हैं, दैट विल बी अवर फाइनल। सो 37 इज अवर फाइनल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी, और 5 मिनट करते हैं 3:30, सो इट इज 33,000। ओके अब आपको ध्यान ये रखना है, जब भी आप ये स्ट्रेटेजी करेंगे आपको ओपन नहीं छोड़ना एक्सपायरी वाले दिन क्योंकि यहाँ पर आपके बहुत से अगले हफ्ते के ऑप्शन है जो कि सारे बाइंग में हैं, है ना। तो आपको ये सारे एक्सपायरी वाले दिन सारे स्वेयर ऑफ करने हैं। अगर आप अगले हफ्ते वाले ऑप्शन को पड़े रहने देंगे तो वो बाइंग में है और अगर अगला दिन रेंज बाउंड खुलता है तो सारे ऑप्शन के डीके होंगे और आपको अच्छा खासा लॉस हो सकता है। तो आपको एक्सपायरी टू एक्सपायरी चलना है, एक्सपायरी का दिन है तो जितने भी पोजीशंस अभी तक बनाई हैं करंट वीक की प्लस नेक्स्ट वीक की सारे स्क्वायर ऑफ करने हैं। ओके सो व्हाट वी सॉ के भाई एंड में हमको 33,500 या 600 कितना प्रॉफिट है, चलो 33,000 ही लिखते हैं। ओके दैट इज अवर प्रॉफिट, मैक्स प्रॉफिट हमारा 66,000 समथिंग तक गया था। ओके लॉस आई थिंक हमने शायद 5-6 हज़ार का देखा था, 5-6 हज़ार का शुरू में, अदरवाइज हमने लॉस नहीं देखा, ठीक है। तो ये एक बेस्ट केस सिनेरियो भी हो सकता है दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि मैं ये एक ही वीडियो बनाऊंगा, और भी अलग अलग वीक हम कवर करेंगे। ऑलरेडी 36 मिनट्स हो चुके हैं इस वीडियो को तो मैं और ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता। बस जाने से पहले कुछ और आप लोगों से फेवर चाहूँगा कि गर्मियों का सीज़न है, अपने घर के बाहर एक बाउल में थोड़ा सा पानी रख दीजिए, पक्षियों को बहुत दिक्कत होती है इन सीज़न में पानी के लिए, तो ये एक अच्छा सा काम आप कर सकते हैं। और भी ज़्यादा समय हो और भी अच्छे काम करने हो तो गौशाला में जाकर दान कीजिए, वहाँ पे जाकर आप थोड़ा और अच्छे काम कीजिए, गायों को चारा खिला के देखिए, उनको फल सब्जियाँ खिला के देखिए, काफ़ी अच्छा महसूस होगा आपको। और बस यही सब चीज़ें, अच्छे काम करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्द आपसे मुलाकात करूँगा दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।